फ्रेंड्स, वेलकम टू वंडर किचन। मैं हूँ रुचि और आज की जो हमारी डिश है वो हेल्दी तो है ही, साथ ही बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी फेवरेट है, जिसका नाम है मल्टीग्रेन चीजी गार्लिक ब्रेड। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। मल्टीग्रेन चीजी गार्लिक ब्रेड के लिए हमें चाहिए 2 कप मल्टीग्रेन आटा, बटर, ग्रेटेड चीज, चॉप्ड कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, चॉप्ड कोरिएंडर, सॉल्ट, ये तिल है वाइट कलर का जो बहुत ही आसानी से बाजार में मिलता है, फ्लेक्स सीड्स, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, शुगर, गार्लिक पेस्ट, ईस्ट और 1 कप दूध। सबसे पहले चलिए हम दूध में ईस्ट को अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। ये दूध मैंने गर्म लिया है। गर्म दूध में ईस्ट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होता है और 1 टीस्पून मैं इसमें ईस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही रख दूंगी। अगर हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट नहीं होता है तो गार्लिक ब्रेड सॉफ्ट और चीजी नहीं बनती है। 15 मिनट्स हो गए हैं, देखिए ईस्ट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसमें बाकी सारी चीजें डालेंगे और इसका डो रेडी करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो 2 कप हमने मल्टीग्रेन आटा लिया था वो ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। वन टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ओरिगैनो और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए एक डो की तरह रेडी करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है आटा। अब हम इसे और अच्छे से हाथ से नीट करेंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और अब हम इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हमें बहुत टाइट आटे को नहीं रखना है, एक स्मूथ सा डो बनाना है। देखिए बहुत ही अच्छे से डो रेडी हो गया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा बटर लगा के 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद हम गार्लिक ब्रेड को रेडी करेंगे, बेक करेंगे। 2 घंटे में बहुत अच्छे से ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी गार्लिक ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और चीजी बनेगी। 2 घंटे हो चुके हैं और डो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। चलिए अब हम गार्लिक ब्रेड को बेक करने के लिए रेडी करते हैं। पहले एक बोल में मैं 1 टेबलस्पून बटर लूंगी, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगैनो को डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तब तक हम इस डो को बेल के गार्लिक ब्रेड के शेप में रेडी करते हैं। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इस डो से मैंने बना लिया है। इसे धीरे धीरे प्रेस करके हमें बेलना है, हर डायरेक्शन से इसे बेलना है ताकि ये कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रहे। देखिए मैंने इसे बेल के रेडी कर लिया है। मैंने ये एक बहुत बड़ी थाली ली है और इस पे मैंने बेला है।
क्योंकि जो नॉर्मली रोटी बनाने वाला चकला घर में होता है वो छोटे साइज का होता है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना, तो आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं और जैसे मैंने यूज किया है थाली आप इस पे भी कर सकते हैं। अब हम ये जो बटर का हमने पेस्ट रेडी किया हुआ था इसे हम धीरे धीरे इसके साथ चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। जो चॉप्ड कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न मैंने लिया है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिलिंग के लिए इसे यूज करें, नहीं तो सिर्फ चीज डाल के भी आप बना सकते हैं, बट क्योंकि हम मल्टीग्रेन चीज गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो हेल्थ जरूरी है, इसलिए मैंने इन वेजीज का यूज किया है। मैंने बटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अब इसमें मैंने जो चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स लिए वो डालूंगी थोड़ा सा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम फिलिंग के लिए चीज डालेंगे, चीज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट और चॉइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बहुत लोग चीज ज्यादा पसंद करते हैं तो आप चीज ज्यादा यूज कर सकते हैं, मोजरेला चीज या नॉर्मल जो चीज ब्लॉक आते हैं दोनों यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कैप्सिकम डाला है मैंने, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालूंगी और इन वेजीज के लिए थोड़ा सा मैं सॉल्ट स्प्रिंकल करूंगी और अब हम इसे धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। साइड से अच्छे से हमें प्रेस करना है ताकि जब बेक हो तो चीज बाहर निकल के ना आए। अब मैं इसकी ब्रशिंग दूध से करूंगी और ये मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, दूध से मैं क्यों कर रही हूं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। मैंने गार्लिक ब्रेड को बेकिंग ट्रे में रख दिया है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है, दूध की ब्रशिंग हमने की थी, अब मैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए थोड़े से फ्लेक सीड्स स्प्रेड करूंगी, व्हाइट तिल यूज करा है मैंने, थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे, अगर आपको और गार्लिक डालना हो गार्लिक फ्लेवर पसंद हो तो थोड़ा सा गार्लिक आप और इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसके पीसेस कट करके सेट करके 180 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। 15 मिनट्स हो गए हैं, गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है, चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है, ये देखिए चीज इसमें बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये बहुत ही चीजी दिख रहा है, तो चलिए अब हम इसे प्लेट में सेट करते हैं। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि गार्लिक ब्रेड की ब्रशिंग मैंने दूध से क्यों की है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। मैंने ब्रशिंग इसलिए की है कि इससे कलर गार्लिक ब्रेड का बहुत अच्छा आता है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें और इस टिप को भी जरूर बेकिंग डिशेस में यूज करें। लीजिए हेल्दी मल्टीग्रेन चीजी गार्लिक ब्रेड रेडी है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।